तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइंटिफिक मनीष चैनल। आज की वीडियो के अंदर क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथ रैशनल नंबर चैप्टर 1 को। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है तो आ जाइए सारे वीडियो के अंदर और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो इसमें क्या है, सबसे पहले समझना होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चों को रैशनल नंबर नहीं पता होता है। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सके पी बाई क्यू की फॉर्म में या ए बाई बी की फॉर्म में, जो भी बोल सके हम, दोनों में से एक बोल सकते हो आप इसको। पी और क्यू दोनों ही नंबर होंगे, दोनों ही इंटीजर होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 2/3 अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। हाँ है ये रैशनल नंबर, क्योंकि ये 2/3 पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहा है। मगर कंडीशन ये होती है कि इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, वन हो सकता है, टू हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, मगर कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो सारे ही नंबर, जो भी अगर मैं 4 को भी लिखूं, 4 को कह रहा है रिप्रेजेंट करो रैशनल की फॉर्म में, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हमेशा 1 माना जाएगा। तो ये 4/1 हो गया आपका रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की फॉर्म में किसी भी एक नॉर्मल नंबर को लेके आना, मान लीजिए मैं इसको इंटीजर बोल रहा हूँ, कह रहा है कि इंटीजर है, इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है रैशनल की, तो किसके नीचे कुछ नहीं तो 1। मगर यहीं पे 1/4 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ये रैशनल नंबर है, ये पहले से ही रैशनल नंबर है, इसको और कुछ नहीं कर सकते। तो अब अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.25, जो कि एक रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर को हम क्या है, रियल नंबर मानते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ नंबर लाइन पे क्या होता है। एक बड़ी नंबर लाइन खींचे, ठीक, और इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि बीच में लेते हैं जीरो, उसके उल्टे हाथ पे माइनस इनफाइनाइट, इसके सीधे हाथ पे प्लस का इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके आगे वाला नंबर सबसे आसान लेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके उल्टे हाथ पे लेंगे सबसे आसान तो -1, -2, -3, चलते चलते माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसके बीच में कहता है कितने नंबर हो सकते हैं, तो आप ये बिल्कुल सर्टेनली कह सकते हैं, अश्योर होके, कि इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उसका बीचों बीच का नंबर ढूंढेंगे तो वो होगा 0.5। ठीक है, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो मेरे को बीच वाला नंबर मिल गया 0.5। अब क्या आएगा, कोई 0.5 और 0 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, उसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और बोलेगा 0.5 से 1 तक कितने एग्जिस्ट करेंगे, उसके बीच में 0.5 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई बोले कि इसका अगला नंबर क्या 0.51 होगा, मैं कहूंगा नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी केस के अंदर तो ऐसे इसका अगला नंबर ये भी हो सकता है, तो ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आने वाले सारे नंबर ही रियल नंबर होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, सारे ही नंबर रियल हैं। ठीक है, और रियल नंबर को कैपिटल R से शो किया जाता है कि ये रियल नंबर है। ठीक है, तो इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर मैं P बाई क्यू की फॉर्म में लूँ तो रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है ये आप समझ लीजिए। किसी को भी P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, यानी इंटीजर बाई इंटीजर की फॉर्म में या तो लिखा हो या हम उसे लिख दें। ठीक है, अब कोई कहे कि भाई जीरो को बना दो रैशनल, तो 0/1 लिख दूंगा तो ये 0/1 रैशनल हो जाएगा। मगर कहेगा 1/0 क्या रैशनल होगा, 1/0 रैशनल नहीं हो सकता है, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो ना हो, क्योंकि ये होगा नॉट डिफाइंड। ठीक, अब अगला है नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या होता है। नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो कि उसमें ऐड होके, उस रैशनल नंबर में ऐड होके उसको जीरो कर दे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/4। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इस रैशनल नंबर में क्या ऐड करूं कि वो जीरो हो जाए, तो इसका ही उल्टा ऐड कर दूं माइनस का, तो ये काट देगा और हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब यहां पे लेता हूं 1/5, इसका कौन सा नंबर लूं, क्या नंबर ऐड करूं इसके अंदर जो इसको जीरो बना दे, तो इसका ही उल्टे नेचर का, उल्टे नेचर का मतलब उल्टे साइन का अगर मैं ऐड करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ब्रैकेट जब खुलेगा तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, और ये हो जाएगा खत्म और जीरो के बराबर। ठीक है बच्चों, तो उतना तो समझ ले हुआ आपने। ठीक, ये हो गया या तो एडिटिव इनवर्स बोलो या
नेगेटिव बोलो किसी भी नंबर का, वो बात बराबर ही रहेगी। ठीक है, 2/3 का मैं बोलूं एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2/3 होगा, ये होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। कोई बोले -5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस का है तो उसका उल्टा नेचर का, तो माइनस का उल्टा नेचर होता है प्लस का, तो 5/4 इसका ये एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस, और ये कुछ इसके आगे नहीं लगा था, यानी ये प्लस का है, उसका उल्टा हो जाएगा माइनस। ठीक बच्चों, आगे चल रहे हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है मतलब उल्टा। अब कोई लिख रहा है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल बराबर में नहीं लिखेंगे, ये इक्वल नहीं होता, रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा 2/1। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ 5/2, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 2/5 हो गया। ठीक है, या तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलो या फिर रेसिप्रोकल बोलो। अब मल्टीप्लीटिव इनवर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5/2 का उल्टा था 2/5, ठीक है, तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके बनाना चाहिए। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1, ऊपर नीचे भी 1, 1/1 इक्वल टू 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। ये होती है प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स की होती है प्लस करने पे 0 आ जाए। ठीक, अगली चीज पूछ रहा है, कह रहा है ये माइनस ऑफ माइनस एक्स का इक्वल टू एक्स है, वेरीफाई करो। कह रहा है कि माइनस ऑफ माइनस करूं एक्स का तो एक्स के बराबर आता है। ठीक है, लेट एक्स, एक्स एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर मानेंगे। एक्स की वैल्यू थी 2/3, पहले तो इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को कि माइनस ऑफ एक्स कितना होगा, तो माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिया मैंने, ये हो गया -2/3, तो -2/3 हो गया इस x का माइनस। अब कह रहा है इसका ही एक और बार माइनस कर दो, इसी का एक और बार माइनस कर दो। ठीक है, तो अब माइनस एक्स का माइनस करना है, मतलब कि क्या ये माइनस करा था मैंने, तो ये आया था -2/3, और एक और बार माइनस करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 2/3। एक्स लिया था हमने 2/3, प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस माना जाएगा, तो प्लस का 2/3, प्लस का 2/3। यानी अगर हम किसी रैशनल का माइनस हुआ का एक और बार माइनस कर दें तो फिर से वो प्लस वाला या फिर वैसे ही बन जाता है। ठीक है, इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं माइनस के साथ, क्योंकि माइनस के साथ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ करके देखते हैं एक बार। अब मान लीजिए मैंने लिया -7/5 एक्स था, ये कहेंगे कि ये तो पहले से ही माइनस है, क्या है ये यही फॉलो करना है। ठीक है, पहले माइनस करो इसका, तो मैं माइनस करता हूँ, तो एक फॉर्मूले का माइनस आ गया, ये तो पहले से ही था, तो अंदर ब्रैकेट में लिख के रखता हूँ। अब ये खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट जब खुलता है उसके साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो गया प्लस का 7/5। अब कह रहा है कि इसका एक और बार माइनस करना है, तो इसका ये ब्रैकेट में डाला, एक और बार माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, ठीक है, अंदर माइनस एक्स कितना आया था इसका, प्लस का 7/5 प्लस का था, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस ही देते हैं, तो -7/5 जो हमने लिया था एक्स, और जो फॉर्मूले से आया वेरीफाई हो गया कि ये दोनों बराबर ही आएंगे, माइनस एक्स का एक और बार माइनस करने पे प्लस का एक्स आता है।